हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डियर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट टू में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर लिया था। जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को ईजिली अटेंड कर सकता है। चलिए आइए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इसमें हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल प्रोसीजर मेरिट्स डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल केमिकल गैशियस रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में हमें जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिमूवल और किल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ऑल नॉन लिविंग्स और लिविंग थिंग्स। मतलब सभी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के सरफेस पे से हम या तो सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, किल कर देंगे, या फिर हम उनको रिमूव कर देंगे। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। इट इज़ एन एसेंशियल स्टेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट्स यूज फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेट्रा। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अब अगर हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं या फिर हम इंटरनल ऑर्गन्स में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बनाने के लिए हमारा जो है बनाने के बाद जो हमारा उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है हमारा स्टरलाइजेशन। मतलब उसको जब हम स्टरलाइज कर लेंगे तभी हम उसको यूज़ करेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। क्योंकि हमारा अगर वो जो है स्टरलाइज नहीं होगा तो उसके सर्फेस पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें हार्म कर सकते हैं। एंड फॉर क्लीनिंग ऑफ एपरेटस ग्लासवेयर्स एंड इक्विपमेंट्स। और ये जो होता है हमारा बहुत एसेंशियल स्टेज होता है हमारा एपरेटस ग्लासवेयर्स और इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। किस किस मेथड्स के थ्रू हम जो है स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारे दो आते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और दूसरा आता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। सेकेंड आता है हमारा केमिकल गैशियस मेथड। इसमें हमारा आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड इथाइलिन ऑक्साइड। और थर्ड आता है हमारा रेडिएशन मेथड। इसमें हमारा आ जाता है अल्फा रेज गामा रेज यूवी रेज एक्सेट्रा। और लास्ट मेथड आता है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में आ जाता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से हम जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। तो यही चार मेथड्स हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड हीट अप्लाई ऑन द सर्फेस देन प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया आर डीनेचर्ड एंड ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर एंड किल इट। इसमें क्या होता है, हम हीट अप्लाई करते हैं हम सर्फेस पे ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है उसका प्रोटीन जो है वो हमारा डीनेचर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। और इस वजह से हमारा बैक्टीरिया जो है जब उसका प्रोटीन ही डीनेचर हो चुका है तो वो जो हमारा किल हो जाता है। तो इस वजह से हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ ईजी एंड सिंपल मेथड्स। ये जो होता है हमारा सबसे ईजी और हमारा सबसे सिंपल मेथड होता है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर थर्मोस्टेबल सब्सटेंस नॉट फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब थर्मोस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि हमारा हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रहे। अब हमारा हीट सेंसिटिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि हमारा हीट लगते ही या तो ख़राब हो जाएंगे या फिर वो उनका जो शेप साइज जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हीट सेंसिटिव सब्सटेंस। तो ये मेथड जो है हमारा फिजिकल मेथड वो सिर्फ और सिर्फ हमारा थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, हीट इज़ मोस्ट रिलायबल एंड रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। हमारा हीट जो है वो हमारा मोस्ट रिलायबल और रैपिड मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो है बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी स्टरलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। द किलिंग इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट इज़ ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली हमारा किलिंग इफेक्ट कैसा होता है हमारा हीट का, कि हीट जो है वो हमारा प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। जिस तरीके से आप जो है एग वाइट देखा होगा आपने, एग वाइट जो है उसको जब आप हीट देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारा मिल्की कलर में। तो उसमें जो हमारा जो भी प्रोटीन है वो हमारा डीनेचर हो जाता है और वो जो हमारा कलर जो है उसका चेंज हो जाता है। पहले जो वो ट्रांसपेरेंट होता है बट वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन डीनेचुरेशन। अब इसी तरीके से हमारा जब बैक्टीरिया का प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है तो इस वजह से हमारा जो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। और इसमें जो है हमारा जो हीट है वो हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करवाती है जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है और इस तरीके से हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा स्टरलाइज हो जाता है। इसी में हमारा फर्स्ट आ जाता है सनलाइट एंड ड्राइंग। दिस इज़ ए नेचुरल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर इन टैंक्स रिवर्स एंड लेक्स। हमारा सनलाइट और हमारा ड्राइंग के थ्रू हमारा जो वाटर है रिवर्स में टैंक्स में और हमारे लेक्स में वो हमारा नेचुरली स्टरलाइज होता रहता है।
इसमें हमारा आता है सनलाइट पोजेस यूवी रेज विच अलोंग विद द हीट रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्रिशिएशन जर्मिसिडल एक्टिविटी। और हमारा सनलाइट में जो होता है हमारा यूवी रेडिएशन होता है, यूवी रेज होती है जिसमें हमारा जर्मिसिडल एक्टिविटी होती है जो कि हमारा जर्म्स को किल कर देती है। तो इस वजह से हमारा जो लेक्स और रिवर्स होता है उनके वाटर में जो है कभी भी जर्म्स जो है वो हमारे डेवलप नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेड हॉट, इसमें आता है हमारा इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन मेटेलिक ऑब्जेक्ट बाई होल्डिंग देम ऑन फ्लेम टिल दे रेड हॉट। बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है, हमारा रेड हॉट मेथड में क्या करते हैं, हम इसमें जो है मेटेलिक ऑब्जेक्ट का जो है स्टरलाइजेशन करवाते हैं। इसमें हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हमें स्टरलाइज करना है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इनोकुलेशन लूप जो है उसको हम बर्नर पे जो है हम स्टरलाइज करते हैं। अब कैसे करते हैं, उसको हम लेते हैं, कोई भी हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको हमें स्टरलाइज करना है, उसको हम बर्नर के ऊपर रख देंगे फ्लेम के ऊपर। अब फ्लेम जलेगी तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होगा और वो जो है हमारा रेड कलर का हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारा मेटल्स को हम तब तक जो है हीट कर देते हैं जब तक वो रेड ना हो जाए। तो इसके थ्रू हमारा जो है वो मेटल जो है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा कम्प्लीटली स्टरलाइज हो जाता है। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है इनोकुलेटिंग वायर और नीडल्स, और हमारा इनोकुलेटिंग वायर और नीडल्स को हम जो है रेड हॉट मेथड के थ्रू हम स्टरलाइज करते हैं। इसी में हमारा थर्ड पार्ट आ जाता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या होता है, हमारा सब्सटेंस इज पास्ड ओवर द फ्लेम विदाउट अलाउइंग इट टू बिकम रेड हॉट। इसमें क्या होता है, हम जो सब्सटेंस जिसको हमें स्टरलाइज करना है उसको जो है हम फ्लेम के ऊपर से गुजारते हैं, जिससे जो है उसको जो है हमें ऐसे गुजारना है कि वो जो है रेड हॉट भी ना हो, मतलब वो लाल भी ना हो सके और वो जो है कम्प्लीटली गर्म भी हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसमें करना है। इसमें हम जो है स्टरलाइज करते हैं हम ग्लास लाइट्स का, जो भी हम ग्लास लाइट्स हम माइक्रो बायोलॉजी लैब्स में यूज़ करते हैं उसको हम जो है पहले स्टरलाइज कर लेते हैं हम फ्लेमिंग के ऊपर। और हमारा ग्लास लाइट्स और कवर स्लिप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आता है डी, इसमें आ जाता है हमारा हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में क्या होता है, हमारा इसमें क्या करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। इसमें जो होता है हमारा हॉट एयर ओवन जो है बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज़ है, जो कि हमारा ज़्यादातर यूज़ करा जाता है हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट हम हॉट एयर ओवन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आ जाता है प्रिंसिपल, इन हॉट एयर ओवन मेंटेन द हाई टेम्परेचर एंड प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया आर डीनेचर्ड एंड ऑक्सीडाइज एंड द बैक्टीरिया वॉज किल्ड। इसमें क्या कह रहा है, हमारा हॉट एयर ओवन में होता क्या आखिरकार, कि हमारा हॉट एयर ओवन में जो है हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया होता है या फिर जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके प्रोटीन जो है वो हमारा डीनेचर हो जाता है और हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा हॉट एयर ओवन जो है वर्क करता है। नेक्स्ट इसका डायग्राम आ जाता है। हॉट एयर ओवन जो है इस तरीके से दिखता है। इसमें हमारा मेन डोर होता है, डोर को खोलते हैं हम अपना जो भी मटेरियल जिसको हमें स्टरलाइज करना है उसको हम शेल्फ में रखते हैं और उसका टेम्परेचर रेगुलेट करके हम उसको अच्छी तरीके से क्लोज कर देते हैं और टाइमर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा हॉट एयर ओवन का डायग्राम होता है। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो है हॉट एयर ओवन चलाया जाता है। नॉन हीट लायबल सब्सटेंस पुट इनसाइड, जो भी हमारा हीट लायबल सब्सटेंस है, जो भी हमारा नॉन हीट लायबल सब्सटेंस है, मतलब जो भी हमारा थर्मोस्टेबल सब्सटेंस है उसको हम जो है हॉट एयर ओवन के अंदर रख देते हैं जिसको हमें स्टरलाइज करना है। नॉर्मली द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल इन 2 आवर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हमारा जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के वो और हमारा वेजिटेटिव फॉर्म जो होती है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो जो हमारे 2 घंटे में हमारा 160 डिग्री सेल्सियस पे हमारा किल हो जाते हैं। द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल स्लोली फॉर अबाउट 2 आवर्स बिफोर द डोर इज़ ओपन। बेसिकली हमारा क्या होता है, जब हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो है जिस भी मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है उसको हमने अंदर डाल दिया है, फिर हम उसको अच्छे से क्लोज कर देंगे और उसका टाइमर सेट कर देंगे हम 160 डिग्री पे 2 घंटे के लिए। तो हमारा उसको अच्छे से बंद करने के बाद हम उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर जब वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा 2 घंटे के बाद, फिर जो उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो अंदर का मटेरियल है वो हमारा ठंडा हो जाए, फिर हम उसका डोर ओपन करते हैं और फिर जो हम थोड़ी देर बाद 1 या 1.5 घंटे बाद उसका जो है मटेरियल जिसको हमें स्टरलाइज करा था हमने उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम फॉर हॉट एयर ओवन इज़ दिस, मतलब हमारा रिलेशन जो हमारा टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन है वो इस तरीके से होता है। अगर हम 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई मटेरियल रखते हैं तो उसे हमें 60 डिग्री मतलब 60 मिनट्स के लिए हमें जो है हॉट एयर ओवन में रखना पड़ेगा, तभी वो जो है कम्प्लीटली स्लाइज हो पाएगा। इसी तरीके से हमारा 160 डिग्री सेल्सियस पर हम अगर कोई मटेरियल को रखते हैं हम हॉट एयर ओवन में तो उसे हमें 120 मिनट्स के लिए हमें हॉट एयर ओवन में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम 150 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो उसे हमें 150 मिनट्स के लिए हमें हॉट एयर ओवन में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से 140 डिग्री सेल्सियस पर हमें 180 मिनट्स मतलब हमारा लगभग 3 घंटे के लिए हमें जो है उस मटेरियल को रखना पड़ेगा। आप इसे एक तरीके से एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा टाइम जो है हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है।
अगर हम हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमें कम टाइम के लिए हमें अंदर रखना पड़ेगा, और अगर हम कम टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए हमें अंदर वाटर ओवन में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे टाइम और हमारा टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट हम इसके वाटर ओवन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं। इसमें आ जाता है इट इज़ सिंपल एंड ईजी इन यूज़। ये जो होता है हमारा सिंपल होता है, बेसिकली आपको दो या तीन स्टेप्स करने हैं। आपको ओवन खोलना है, उसमें आपका मटेरियल रखना है और टेम्परेचर सेट करना है, टाइमर सेट करना है और अच्छे से बंद करके इसको ऑन कर देना है। सिंपल, ये जो है सिंपल यूज़ है, हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इट डज़ नॉट रिलीज एनी हार्मफुल फ्यूम्स, ये जो होता है कोई भी हार्मफुल फ्यूम्स को रिलीज़ नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका डीमेरिट्स, नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, रबर्स, प्लास्टिक, वोलाटाइल्स एंड हीट लेवल सब्सटेंसेस। बेसिकली हमारा हॉट एयर ओवन में जो है हमारा हाई टेम्परेचर होता है, इस वजह से हमारा जो भी सब्सटेंस हमारे हाई टेम्परेचर पे आके ख़राब हो जाते हैं, उन सब्सटेंस को हम इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारा इसका सबसे ज़्यादा बड़ा डीमेरिट्स है कि हम जो है हीट हीट स्टेबल सब्सटेंस को ही सिर्फ इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। जो भी हमारा हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है या फिर हम कह सकते हैं हीट लेवल सब्सटेंस है, उसको हम इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हॉट एयर ओवन की एप्लीकेशंस, कि कहाँ कहाँ हम जो है हॉट एयर ओवन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इट इज़ यूज टू स्टरलाइज ग्लासवेयर, फोर्सेप्स, स्कैल्प्स, सीजर्स एंड स्पैचुला। ये जो हमारा हॉट एयर ओवन जो है उसको स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं। हम ग्लासवेयर की स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, फोर्सेप्स को स्टरलाइज कर सकते हैं, सीजर्स को स्टरलाइज कर सकते हैं, या फिर हम जो भी मेटालिक सब्सटेंस होते हैं जैसे स्पैचुला हो गया, सीजर्स हो गए, इन सबको हम जो है हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर सम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस सच एज फिक्स्ड ऑयल्स। हम जो है कुछ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को भी हम इससे स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे हमारा फिक्स्ड ऑयल्स हो गए या फिर अदर ऑयल्स हो गए, तो उनको भी हम इसके थ्रू हम जो है स्टरलाइज कर सकते हैं। थर्ड आता है इट इज़ आल्सो यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर सच एज काओलिन। हम जो है डस्टिंग पाउडर्स को भी हम इसके थ्रू हम जो है स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे हमारा काओलिन हो गया या फिर हमारा कोई और पाउडर हो गया, तो उसको भी हम ईजिली स्टरलाइज कर सकते हैं हॉट एयर ओवन की हेल्प से। तो फिज़िकल मेथड्स में हमारे दो थे, फर्स्ट था हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और सेकंड था हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो इसमें हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसमें देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाय हॉट वाटर और स्टीम। इसमें क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हम हॉट वाटर या फिर स्टीम के थ्रू हम जो है उनको किल कर देते हैं। इट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाई डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, हमारा या तो हमारा प्रोटीन का डी नेचुरेशन होगा या फिर हमारा जो एंजाइम्स हैं उनका डी नेचुरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ये जो होता है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के कंपेरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री फॉर्म्स। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है वो फर्दर तीन क्लासेज में डिवाइड है। फर्स्ट आता है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड आता है हमारा टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड आता है हमारा टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, हम किसी भी हीट लेवल सब्सटेंस को जो कि हमारा हाई टेम्परेचर पर आके डिकम्पोज होता है उसके हम स्टरलाइजेशन करते हैं इसमें। इन दिस मोस्टली हीट लेवल फ्लूड्स मे बी स्टरलाइज बाई हीटिंग एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा हीट लेवल सब्सटेंस है उसका जो हम स्टरलाइजेशन करते हैं, हम टेम्परेचर हम क्या सेट करेंगे, हमारा टेम्परेचर जो होगा वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो उस पर हम जो स्टरलाइजेशन करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने जो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की जो पाश्चराइजेशन होती है जिसकी हेल्प से मिल्क को जो है स्टरलाइज करा जाता है, तो उसे हम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हम उसको करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड, इसमें आता है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 टू 30 मिनट्स किल ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरियाज एंड सम बैक्टीरियल स्पोर्स। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी सब्सटेंस को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करते हैं 10 से 30 मिनट के लिए, तो उसकी वजह से हमारा जो है सभी वेजिटेटिव बैक्टीरियाज और उनके स्पोर्स जो है वो हमारे किल हो जाते हैं। बट ये जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारा इसको जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारा इसकी इफेक्टिवनेस जो होती है हमारी कम होती है, क्योंकि ये जो हमारा कंप्लीट इफेक्टिवनेस नहीं देता और वहाँ कुछ ना कुछ हमारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे रह जाते हैं, तो इस वजह से हम जो है इस पर इतना डिपेंडेंट नहीं होते। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स। मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, उनके स्टरलाइजेशन हम इसके थ्रू नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें एग्जांपल आ जाता है बॉइलिंग, मतलब किसी भी हमारा जैसे वाटर हो गया उसको हम बॉईल करके पीते हैं, तो उसमें जो होता है हमारा जो भी बैक्टीरियाज होते हैं और उनके स्पोर्स होते हैं वो किल हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसलिए हमारा कहते हैं कि हमारा वाटर को जो है बॉईल करके पीना चाहिए ताकि उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहे। फिर लास्ट आता है इसमें थर्ड,
टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम जो है स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। वो बेसिकली उसका प्रिंसिपल क्या है, वो जो है सिर्फ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पर ही जो है बेस्ड होता है। वो जो हमारा वाटर के थ्रू मतलब स्टीम के थ्रू जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो है वो बेस्ड होता है। इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये जो है ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल है, इन विच सैचुरेशन स्टीम इज प्रोड्यूस अंडर हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड स्टीम जो है वो प्रोड्यूस होती है हाई प्रेशर में, सो प्रेशर इंक्रीज इन द क्लोज वेसल, और हमारा प्रेशर जो है हमारा क्लोज वेसल के अंदर जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इंक्रीज टेम्परेचर प्रोपोर्शनली, एंड देन हाई प्रेशर इज़ यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ही हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पड़े होते हैं उस सब्सटेंस के ऊपर वो अच्छी तरीके से किल हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारी ऑटोक्लेविंग की जो हमारी ऑटोक्लेव जो होता है इस इंस्ट्रूमेंट की जो इफेक्टिवनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम जो है ऑटोक्लेव का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर सब्सटेंस को स्टरलाइज करने के लिए। इट इज़ सफिशेंट टू किल द वेजिटेटिव एंड स्पोर्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो इट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। अब ये क्या कह रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया था कि हमारा ऑटोक्लेव जो है वो कैपेबल है सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में, मतलब ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वेजिटेटिव फॉर्म्स को भी किल कर देता है और उनके स्पोर्ट्स को भी किल करने में कैपेबल है। तो इसलिए हमारा ऑटोक्लेव है वो हमारा बेस्ट है हमारा और हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है जो कि हमारे स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑटोक्लेव का डायग्राम होता है। इसमें हमारा जो है थर्मामीटर होता है, सेफ्टी वॉल्व होती है, प्रेशर गोज होता है, और हमारा यहाँ पर हमारा वाटर फिल होता है, और ये हमारी बास्केट होती है जिसके अंदर हम अपना मटेरियल को लोड करते हैं और फिर हम इसको लोड करने के बाद अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। और ये हमारी ड्रेनेज वॉल्व होती है, और बेसिकली हमारा ये हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि वाटर को हीट करके उसको मतलब स्टीम में कन्वर्ट करता है। और स्टीम जब इसमें प्रोड्यूस होती है तो स्टीम प्रोड्यूस होने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है और उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। नेक्स्ट हम ऑटोक्लेव का प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से आप ऑटोक्लेव को यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है द वाटर इज़ फिल्ड इनसाइड द ऑटोक्लेव। सबसे पहले हमें जो ऑटोक्लेव में पानी डालना है, वाटर लेवल जो है वहाँ पर मेंशन होता है कि इस लेवल तक आपको वाटर इसमें फिल करना है, उस लेवल तक हम जो सबसे पहले वाटर को फिल कर लेंगे। एंड मटेरियल इज़ टू बी स्टरलाइज इज़ लोडेड इनसाइड द ऑटोक्लेव, और जिस भी मटेरियल को हमें स्टरलाइज करना है उसे हम जो है ऑटोक्लेव के अंदर रख देंगे। नाउ मेंटेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर स्टरलाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, मतलब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है टेम्परेचर प्रेशर और हमारा होल्डिंग टाइम में रिलेशन होता है, तो इस तरीके से हम जो उसको मेंटेन कर लेंगे। आफ्टर पुट द मटेरियल लिड इज़ क्लोज, हम जो है मटेरियल को डालने के बाद फिर जो है उसकी लिड जो होती है बहुत अच्छे से बंद कर देंगे उसे। डिस्चार्ज टैप इज़ ओपन एंड सेफ्टी वॉल्व इज़ एडजस्टेड टू रिक्वायर्ड प्रेशर, और हमारा डिस्चार्ज टैप जो है उसको ओपन कर देंगे और हमारा सेफ्टी वॉल्व जो है उसको अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देंगे। फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन एयर बबल्स स्टॉप टू एमिट फ्रॉम द डिस्चार्ज टैप इट इंडिकेट्स ऑल एयर इज़ रिमूव्ड इन फ्रॉम द इनसाइड द ऑटोक्लेव। अगर हमारा एयर बबल्स जो है वो हमारा डिस्चार्ज टैप से आना बंद हो जाएंगे तो उस तरीके से वो जो हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा ऑटोक्लेव के अंदर जितनी भी हमारी एयर थी वो हमारे रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देन क्लोज द डिस्चार्ज टैप, नाउ स्टीम प्रेशर इज राइज इनसाइड द ऑटोक्लेव एंड व्हेन इट रीचेस द डिजायर्ड लेवल सेफ्टी वॉल्व ओपन्स एंड एक्सेस स्टीम स्केप आउट। ये पॉइंट क्या कह रहा है, जब भी हमारे बबल्स निकलना बंद हो जाएंगे हमारे डिस्चार्ज टैप से तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो एयर है हमारे ऑटोक्लेव के अंदर की वो हमारी रिमूव हो चुकी है, फिर हम डिस्चार्ज टैप को क्लोज कर देंगे। और डिस्चार्ज टैप को क्लोज करने की वजह से हमारा उसमें जो है स्टीम प्रोड्यूस होगी, और स्टीम प्रोड्यूस होने की वजह से उसका जो स्टीम प्रेशर है हमारा ऑटोक्लेव के अंदर का वो हमारा बढ़ता जाएगा। अब वो इतना बढ़ेगा कि हमारा जितना भी हमने डिजायर्ड लेवल सेट करा था वहाँ तक हम जो है हमारा जो है स्टीम प्रेशर हो जाएगा, और जितना भी हमारा स्टीम प्रेशर वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होता है, हम जो है सेफ्टी वेल्व को ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जितनी भी एक्सेस स्टीम होती है वो हमारी रिमूव आउट हो जाती है, और जितना भी हमने स्टीम प्रेशर सेट करा था उतना स्टीम जो है उसमें मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो है स्टीम को मेंटेन करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आफ्टर द होल्डिंग टाइम ओवर द हीटिंग इज स्टॉप एंड अलाउड टू कूल द ऑटोक्लेव। फिर हम जो है उसको होल्डिंग टाइम तक उसको स्टीम को अंदर ही रखते हैं। जैसे ही हमारा होल्डिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है 15 या 20 मिनट का, तो उसको जो है हम हीटिंग जो है वो हमारी स्टॉप हो जाती है। फिर हीटिंग स्टॉप होने के बाद जो हमारा ऑटोक्लेव जो है वो हमारा ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ एयर इज अलाउड टू रिमूव फ्रॉम द ऑटोक्लेव बाय ओपन द डिस्चार्ज टैप। फिर हम जो है डिस्चार्ज टैप को ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जितनी भी अंदर की स्टीम है वो हमारे रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे रिमूव स्टीम जो है वो हमारी रिमूव होगी वैसे वैसे हमारा ऑटोक्लेव जो है वो हमारा ठंडा होता चला जाएगा। लास्ट स्टेप आता है नाउ फाइनली लिड इज़ ओपन एंड स्टरलाइज मटेरियल्स आर रिमूव्ड।
फिर हमारा क्या होता है, हमारा लिड को ओपन कर लेंगे हम, और जो भी मटेरियल हमने स्टरलाइज करने के लिए रखा था उसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑटोक्लेव का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेरिट्स, मतलब ऑटोक्लेव्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ये जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट इज़ क्विकर इन हीटिंग अप एंड एक्सपोज आर्टिकल्स, ये जो होता है इसमें हीटिंग प्रोसेस जो होती है बहुत तेज़ी से होती है। इट प्रोवाइड ग्रेटर लीथल एक्शंस ऑफ मोस्ट हीट, बेसिकली हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है ये। तो इसकी जो लीथल एक्शन होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है, वास्ट लीथल एक्शन होता है। तो इस तरीके से होता है हमारा, ये हमारा ऑटोक्लेव जो होता है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में ये सक्षम होता है। नेक्स्ट हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल सच एज पाउडर एंड ऑयल एक्सेट्रा, ये जो होता है हमारा एनहाइड्रस मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा एनहाइड्रस मटेरियल जो होता है वो हमारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसमें जो हमारा स्टीम प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारा एनहाइड्रस मटेरियल जो है वो हमारा ख़राब हो सकता है। सेकेंड आता है नॉट सूटेबल फॉर हीट लेवल सब्सटेंस, और जो भी हमारा हीट लेवल सब्सटेंस है जो कि हमारा हीट सेंसिटिव है, जो कि हमारा हाई टेम्परेचर पर आके ख़राब हो जाएंगे, उनके लिए भी ये हमारा सूटेबल नहीं है। तो हमारा अगर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस को अगर हम ऑटोक्लेव में रखते हैं तो वो जो हमारा ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ये इनके डीमेरिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती है। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, हीट स्टेबल लिक्विड्स, सलाइन सॉल्यूशंस, हीट रेजिस्टेंस इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली हमारा इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, हम ये जो है स्टरलाइजेशन करने में ही इसको यूज़ करते हैं, चाहे हम बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया करें, या फिर हम कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करें, या फिर हम हीट स्टेबल लिक्विड्स को स्टरलाइज करें, या फिर हम कोई भी स्टरलाइजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करें। तो बेसिक हमारी इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम किसी भी सब्सटेंस को स्टरलाइज करने में हम ऑटोक्लेव के यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा फिजिकल मेथड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल मेथड में हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन दोनों ही हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सेकंड आता है हमारा केमिकल गैशियस मेथड्स। इसमें क्या होता है, व्हेन ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्ड बाय केमिकल गैशियस इज कॉल्ड केमिकल गैशियस मेथड्स। इसमें क्या होता है हमारा केमिकल गैशियस मेथड्स में हम जो है सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को केमिकल गैशियस के थ्रू जो है हम उसको किल करते हैं, उसी को हम कहते हैं केमिकल गैशियस मेथड्स। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फॉर्मल्डिहाइड। इट इज़ बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स विद पुअर पेनिट्रेटिंग पावर्स। इसमें क्या होता है हमारा ये जो हमारा बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है जो कि हमारा बैक्टीरियाज को किल कर देता है, और इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो हमारी पुअर होती है। इट इज़ जनरेटेड बाय हीटिंग अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकल। इट कम्बाइंड रेडिली विद वाइटल ऑर्गेन कंपाउंड्स नाइट्रोजन सच एज प्रोटीन। बेसिकली हमारा ये क्या होता है हमारा एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकल है जो कि हमारा नाइट्रोजन के साथ एक्टिवली कंबाइन हो जाता है और हमारा प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है और ख़राब कर देता है। इट डिस्ट्रॉय द पिरिमिडिन एंड प्यूरिन विच डीएक्टिवेट द डीएनए एंड बैक्टीरिया किल। ये क्या कह रहा है हमारा, ये पॉइंट कहता है कि ये जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो हमारा पिरिमिडिन और प्यूरिन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, और पिरिमिडिन और प्यूरिन दोनों ही जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा डीएनए जो है वो हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएनए डीएक्टिवेट होने की वजह से हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा किल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस देते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इनक्लोज एरिया सच एज ऑपरेशन थिएटर्स हॉस्पिटल रूम्स। बेसिकली हमारा फॉर्मल्डिहाइड कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है, हमारा जो भी इनक्लोज्ड एरिया है उनकी स्टरलाइजेशन के हम जो है फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ऑपरेशन थिएटर्स हो गए या फिर हमारा हॉस्पिटल्स रूम्स हो गए, तो उसको जो है उसके थ्रू हमारा फॉर्मल्डिहाइड का स्प्रे करके हम जो है हॉस्पिटल रूम्स या फिर हमारा ऑपरेशन थिएटर्स को स्टरलाइज करते हैं। सेकेंड आता है हमारा बीटा प्रोपियोलैक्टोन। इसमें क्या होता है, इट इज़ 25 टाइम्स मोर एक्टिव देन डिसइनफेक्टेंट देन फॉर्मल्डिहाइड गैस। ये जो होता है हमारा बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो होता है वो हमारा 25 टाइम्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड के मुकाबले। इट इज़ हाई बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी एंड वेरी एक्टिव अगेंस्ट वायरस। और ये जो होता है हमारा इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो है हमारा वायरस के अगेंस्ट भी ये एक्टिव होता है, मतलब ये जो है वायरस को किल करने में हेल्प करता है। इट इज़ डायरेक्टली अटैक ऑन द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ये जो तो हमारे डायरेक्टली डीएनए पे अटैक करता है, सो डीएनए डैमेज एंड ड्यू टू डीएनए डैमेज बैक्टीरिया किल। जिसकी वजह से हमारा डीएनए जो है वो हमारा डैमेज हो जाता है, और डीएनए डैमेज होने की वजह से हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है। इट हैज़ लो पेनिट्रेशन एंड शो इरीटेशन, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। बेसिकली हमारा ये क्या कह रहा है कि हमारा इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो हमारी लो होती है, और ये जो होता है हमारा बीटा प्रोपियोलैक्टोन ये हमारा जो है इरीटेशन कॉज करता है। तो इस वजह से हमारा फार्मास्यूटिकल्स में इसकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, मतलब इसको जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करा जाता। थर्ड आता है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है,
इट हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। इट अटैक ऑन डीएनए एंड आरएनए डायरेक्टली एंड रिएक्ट विद इट, और ये जो था हमारे डीएनए और आरएनए पर अटैक करता है और उसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर देता है। इट एल्काइलेटिंग द अमीनो कार्बोक्साइल हाइड्रोक्साइल एंड सल्फाड्राइल ग्रुप्स इन द एंजाइम्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये जो होता है हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और हमारा एंजाइम्स में जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं अमीनो ग्रुप्स कार्बोक्सिल ग्रुप्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और सल्फाड्राइल ग्रुप्स, इन सब ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करता है और उनका एल्काइलेशन करवा देता है। देन इट इनएक्टिवेट द एंजाइम प्रोटीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो बैक्टीरिया डाई, और ये जो होता है हमारा जिसकी वजह से हमारा इन ग्रुप्स का एल्काइलेशन हो जाता है और इन ग्रुप्स का एल्काइलेशन होने की वजह से जो हमारा एंजाइम्स और हमारे प्रोटीन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो हमारे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे किल हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है, इट डिजॉल्व विद लिपिड्स इन बैक्टीरिया एंड डीनेचर इट, ये जो होता है हमारा लिपिड जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको जो है डिजॉल्व कर देता है और उसको जो है डीनेचर कर देता है, तो इस तरीके से एल्कोहल अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट हम एल्डिहाइड देख लेते हैं, एल्डिहाइड कैसे वर्क करता है। इट रिएक्ट्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया एंड किल इट, ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है बैक्टीरिया के और बैक्टीरिया को किल कर देता है। नेक्स्ट हमारा केमिकल गैसियस मेथड्स के एडवांटेज आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इट इज़ वेरी लाइट वेट, ये जो था हमारा बहुत ही लाइट वेट होता है जिसको हमें जो है ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहता है एंड नॉट मोर एक्सपेंसिव, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता जिसकी वजह से हम इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इट इज़ स्टरलाइज ऑल प्लेसेस, ये जो था इजीली सभी प्लेसेस को स्टरलाइज कर देता है। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेज, इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, ये जो था हमारे ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है। इट गिव साइड इफेक्ट्स, और ये जो था कुछ साइड इफेक्ट्स देता है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन में फर्स्ट आ जाता है इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस, ये जो होता है हमारा मेडिकल और बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस को स्टरलाइज करने में यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, और जो भी हमारे हीट सेंसिटिव सब्सटेंस हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए हम जो है केमिकल गैसेस मेथड्स का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है इट इज़ यूज इन ऑपरेशन थिएटर्स हॉस्पिटल रूम्स एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब्स, और जो भी हमारे ऑपरेशन रूम्स होते हैं जो भी हमारा इनक्लोज्ड एरिया है जैसे हमारा ऑपरेशन थिएटर्स हो गए हॉस्पिटल रूम्स हो गए और हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हो गई, उन सबको स्टरलाइज करने के लिए हम जो है केमिकल गैसेस मेथड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है व्हेन रेडिएशन आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन, इसमें क्या होता है हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन करने के लिए। दिस मेथड आल्सो कॉल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन बिकॉज वेरी लिटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। अब हमारा रेडिएशन मेथड जो होता है उसी को हम जो है कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत ही कम या फिर ना के बराबर हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम जो है ईजिली हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को भी स्टरलाइज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर वेव लेंथ एंड पेनिट्रेटिंग पावर्स इट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इसकी वेव लेंथ और पेनिट्रेटिंग पावर के अकॉर्डिंग जो है इसको दो टाइप्स में हमने जो है डिवाइड करा है। फर्स्ट आ जाता है हमारा आयनाइजिंग रेडिएशंस और सेकंड आ जाता है हमारा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस में क्या होता है इट हैव हाई एनर्जी एंड इट आयनाइज द टारगेट मॉलिक्यूल्स, इसमें जो होता है हमारा हाई एनर्जी होती है और ये जो होता है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देते हैं। व्हेन एनर्जी पोजेस ऑन बैक्टीरिया इट चेंज इज बेस पेयर ऑफ डीएनए ड्यू टू दिस म्यूटेशन ओकर इन डीएनए, बेसिकली इसमें क्या होता है जब भी हम बैक्टीरिया इसके मतलब इसके अंदर जब भी बैक्टीरिया आता है तो उसमें जो होता है हमारा उसके जो बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के उसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें जो है म्यूटेशन होती है जो उसके डीएनए होते हैं उसमें म्यूटेशन हो जाती है। ड्यू टू म्यूटेशन बैक्टीरिया डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंजेस एंड डीएनए डैमेज एंड बैक्टीरिया डाई, अब जब हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमारा चेंज हो जाता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हमारा डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है और हमारा बैक्टीरिया मर जाता है, तो इस तरीके से हमारा आयनाइजिंग रेडिएशन वर्क करता है। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर यूज इन दिस मेथड्स आर एक्स रेज गामा रेज एंड कैथोड रेज, हम इसमें किन किन रेज का यूज़ करते हैं, हम जो एक्स रेज का यूज़ करते हैं गामा रेज का यूज़ करते हैं और हम कैथोड रेज का यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है हमारा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में क्या होता है इट हैव लो एनर्जी एंड इट इज़ यूज फॉर हॉस्पिटल ऑपरेशंस रूम्स एसेप्टिक फिलिंग रूम्स एंड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इनका जो होता है हमारा लो एनर्जी होती है और ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम हॉस्पिटल ऑपरेशंस रूम्स में एसेप्टिक फिलिंग रूम्स में और हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन रेज पासिस थ्रू द बैक्टीरिया डीएनए ऑफ सेल एब्जॉर्ब इट, जब भी हम इन रेज को पास करवाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू तो हमारा जो डीएनए होता है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इट डज द ग्रेट डैमेज एंड इट इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स सच एज थायमिन डाइमर, और ये जो होता है हमारा ग्रेट डैमेज कॉज करता है जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए जो होता है उसमें एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स जैसे हमारा थायमिन डाइमर, तो ये जो हमारा एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स है जिसका प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है।
दिस इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और हमारा ये जो थायमिन डाइमर है ये हमारा इंटरफेयर करता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। ड्यू टू दिस डीएनए डैमेज एंड बैक्टीरिया डाई, जिसकी वजह से हमारा डीएनए जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा डाई हो जाता है। तो यही हमारा बेसिक इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है सोर्सेज। सोर्सेज में क्या होता है हमारा कि हम इसमें कौन कौन सी रेज का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा इसमें जो है यूवी रेज का हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा आईआर रेज जो है उनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रेडिएशन मेथड्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है एडवांटेजेस, स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। इसमें जो है हम सभी तरीके के हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को इजीली स्टरलाइज कर सकते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये जो हमारा रैपिड प्रोसेस होती है मतलब इसमें जो है टाइम का कंजप्शन जो होता है वो हमारा कम होता है। वेरी इफेक्टिव फॉर रिडक्शन ऑफ एयर बॉर्न कंटेमिनेशंस, और एयर बॉर्न कंटेमिनेशंस को कम करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। फोर्थ आता है प्रोबेबली ऑल बैक्टीरिया किल्स, और ये जो है लगभग सभी तरीके के बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये जो होता है हमारा महंगा होता है। इट कॉज साइड इफेक्ट, ये जो होता है हमारा साइड इफेक्ट को भी कॉज करता है। लास्ट आता है इफेक्टिवनेस इज़ लिमिटेड टू एक्सपोज सरफेस एयर ओनली, मतलब जहाँ जहाँ हमारी रेज जाएंगी सिर्फ वहीं वहीं तक हमारा जो है इफेक्टिवनेस होगी, मतलब जो है इसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो हमारी लिमिटेड होती है। जितने एरिया पर हमारी जो रेज जाएंगी उसी एरिया को जो है सिर्फ स्टरलाइज करेंगी। तो ये थे हमारे इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आ जाता है इसकी एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़, ये जो होता है हम इसको जो है फूड और डेयरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। स्टरलाइजिंग बायोलॉजिकल फ्लूड्स, और हम इसको जो है बायोलॉजिकल फ्लूड्स को स्टरलाइज करने में भी यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा रेडिएशन मेथड्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है, इट बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन, ये जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ सिंपल मेथड्स इन विच सॉल्यूशन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ यूनिट देन बैक्टीरिया इज रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये जो है बहुत ही सिंपल मेथड्स है जिसमें हम जो है सॉल्यूशंस को जो है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूनिट के थ्रू जो है पास करवाते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा फिल्टर प्रूफ यूनिट में ऊपर ही रह जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा ईजिली पास आउट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, मतलब ये कुछ स्टेजेस दे रखे हैं जिसमें हमें जो है कंप्लीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस बता रखी है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है पैसेज ऑफ सॉल्यूशन थ्रू प्रीवियसली स्टरलाइज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो सॉल्यूशन है उसको हमें पास करवाना है हमारा प्रीवियसली स्टरलाइज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, मतलब हमारा जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है उसके थ्रू हमें जो सॉल्यूशन को पास करवाना है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, असेप्टिक ट्रांसफ़र ऑफ फिल्ट्रेट टू स्टराइल कंटेनर विच आर देन सील्ड असेप्टिकली। फिर हमें क्या करना है, हमें जो है जो भी हमारा फिल्ट्रेट मिला है, हमें जो भी सॉल्यूशन नीचे पास होने के बाद हमारा जो है बैक्टीरिया जो है वो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर ही है और हमारा जो भी हमारे सॉल्यूशन जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको हम जो है असेप्टिकली उसको स्टराइल कंटेनर में डाल देंगे और उसको सील कर देंगे। नाउ बैक्टीरिया इज स्टे ऑन फिल्टर, और हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर ही है। विच फर्दर रिमूव एंड प्योर सॉल्यूशन गेट, और जिसको हम जो है रिमूव कर देंगे और हमारा जो प्योर सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप है टेस्टिंग ऑफ सैंपल फॉर स्टरिलिटी, और फिर जो हमने हमारा जो फिल्ट्रेट है उसमें से थोड़ा सा हम सैंपल लेंगे और उसकी स्टरिलिटी टेस्टिंग करेंगे। और ये हमारे कुछ स्टेजेस थे जिसके थ्रू हम जो है किसी भी सॉल्यूशन की स्टरिलाइजेशन करते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स यूज्ड इन इट, हमारे जो है डिफरेंट टाइप के हमारे फिल्टर्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हम एज अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसमें हमारा फर्स्ट आता है सीड्स फिल्टर, सेकेंड आता है हमारा सिंटेड ग्लास फिल्टर, थर्ड आता है फिल्टर कैंडल्स, एंड फोर्थ आता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट तरीके के फिल्टर्स थे जिनको हम जो है यूज़ करते हैं एज अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट आता है स्टरलाइजेशन ऑफ हीट लेवल सॉल्यूशंस, मतलब जो भी हमारे सॉल्यूशंस हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस है जो कि हमारे हाई टेंपरेचर पे जाके ख़राब हो जाते हैं उनका भी हम जो है स्टरलाइजेशन कर सकते हैं हम मैकेनिकल मेथड्स की हेल्प से। ये जो है हमारा सिंपल एंड ईजी इन यूज़, ये जो था हमारा सिंपल होता है और ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें कोई भी स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है लार्ज वॉल्यूम, ये जो था ईजिली लार्ज वॉल्यूम को कैरी कर सकता है, मतलब इसके थ्रू हम जो है ईजिली आई ड्रॉप्स या फिर हमारा एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस जो है उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ नॉट 100% रिलायबल, ये जो था 100% रिलायबल नहीं होता है। मैनी मेडिसिनल प्रिपरेशंस एब्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ फिल्टर्स, बहुत सारी मेडिसिनल प्रिपरेशन जो होती है वो हमारी सरफेस पर ही हमारे जो फिल्टर की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये थे हमारे इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में जो होता है हमारा, ये जो है फर्स्ट आता है हमारा प्योरिफिकेशन में, इसको हम जो है प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, और सेकंड आता है हमारा स्टरलाइजेशन में।
और तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और आज जो हमने यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें हमने स्टडी करी थी प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल, केमिकल गैसेस एंड रेडिएशन एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। बेसिकली अगर हम कहें तो इसमें हमने जो है स्टरलाइजेशन को जो है बहुत अच्छे से कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजिली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।